मीटिंग्स ऑफ कंपनी, ठीक है, मीटिंग्स क्या होती हैं जिसमें शेयर होल्डर्स, कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, मीटिंग्स है ना। मीटिंग का कोई सिंगल मीनिंग नहीं होता है इसमें, लेकिन कितने टाइप्स की मीटिंग होगी हम ये इसमें डिस्कस करेंगे। पहला जो टाइप है इसमें, एक मीटिंग होगी इसमें शेयर होल्डर्स मीटिंग होगी, सेकेंड इसमें होगी, सेकेंड टाइप में अगर बोलूं तो अदर मीटिंग्स, अपने काम का, शेयर होल्डर वाला पोर्शन काम का है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट इसमें देखो, शेयर होल्डर्स मीटिंग को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड करूंगी मैं। पहला है एनुअल जनरल मीटिंग, सेकेंड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और तीसरा रहेगा इसमें क्लास मीटिंग। पहला है इसमें एनुअल जनरल मीटिंग, सेकेंड सेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और थर्ड है इसमें क्लास मीटिंग। फिर सेम अदर्स मीटिंग को मैं चार पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहला रहेगा इसमें मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, सेकेंड रहेगा मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स, तीसरा रहेगा मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। देखो क्रेडिटर्स सेकेंड में भी रहेगा, थर्ड में भी रहेगा, और फोर्थ में होगी मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स मीटिंग होगी उसको मैं फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। तो इसमें देखो, पहले अदर्स मीटिंग में डिबेंचर होल्डर्स वाली मीटिंग होगी, शॉर्टकट में लिख रही हूँ डिबेंचर होल्डर्स। सेकेंड में अगर मैं देखूँ तो क्रेडिटर्स की होगी, लेकिन ध्यान देना जो क्रेडिटर्स की और कंट्रीब्यूटर्स की, क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मतलब बंद होना, वाइंड अप करना कंपनी, इसमें होगी क्रेडिटर्स की फिर से ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, और एक होगी मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स को फिर से दो पार्ट में अगर डिवाइड करो तो फर्स्ट देखो, इसमें मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स में पहला आएगा बोर्ड मीटिंग्स, इसमें फर्स्ट आएगा बोर्ड मीटिंग्स, और इसमें आएगा कमिटीज मीटिंग। जो कमिटीज बनती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कमिटीज मीटिंग।
किसी को डाउट किसी भी पॉइंट में तो पूछो। कहीं पे डाउट है मीटिंग्स ऑफ द कंपनी में? नो मैम। क्लियर है? अब देखो, जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा, फर्स्ट पॉइंट में आती हूँ मैं, शेयर होल्डर्स के लिए एनुअल जनरल मीटिंग, कोई भी कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, उसको एटलीस्ट एक मीटिंग करनी है हर साल, हर साल एक मीटिंग, ठीक है? तो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए वेदर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, लिखते जाओ अपने उसमें जो फर्स्ट बताया है, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए चाहे पब्लिक हो या फिर प्राइवेट, कोई भी कंपनी हो, उसको साल में एक बार तो मीटिंग जरूर करनी है शेयर होल्डर्स के साथ, बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है, जितनी भी डिटेलिंग होती है कंपनी की एक साल में वो पूरा किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीनिंग मीटिंग होती है ये कंपनी की। इसका पर्पस क्या होता है मीटिंग करने का? जितना भी इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, किसको बताने का? शेयर होल्डर्स को बताने के लिए, प्लस जो प्रोग्रेस की है कंपनी ने उस एक साल में, वो सब इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। नेक्स्ट इसमें क्या है? एन एक्ट विच द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डू इट शेयर होल्डर्स, ठीक है? इसमें क्या होगा, मीटिंग इसलिए बुलानी है क्योंकि हम सिंगल सिंगल शेयर होल्डर्स को बुला के उनसे सिंगल सिंगल नहीं पूछेंगे या कोई कंसेंट नहीं लेंगे, सबको एक साथ आना है, सब पूरा जो मैटर डिस्कस है वो एक साथ होगा सबके सामने, ठीक है? तो ये होगा एनुअल जनरल मीटिंग। अब देखो जो ऑब्लिगेशंस हैं मीटिंग को करने के, तो जो इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट देखो ऑब्लिगेशंस इन रिगार्ड, ऑब्लिगेशंस देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें होगा पीरियड ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। देखो कंपनी बनी है अभी, तो उस समय कब करनी है मीटिंग? अरे कंपनी फॉर्म हुई तो एक मीटिंग तो रखनी पड़ती है, तो वो कब होगी, उसका क्या टाइम लिमिट होगा, वो इसमें डिस्कस करेंगे अपन। तो पहली जनरल मीटिंग कब होनी चाहिए? जो पहला फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हो रहा है उसके 9 महीने के अंदर। क्लियर है? द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कंपनी का? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। तो कंपनी सपोज जनवरी में फॉर्म हुई है या नई कंपनी है, फर्स्ट अभी बनी है, तो उसको एक साल के अंदर फर्स्ट मीटिंग कब करनी होगी? तो सपोज अगर 10 दिसंबर में बनी है कंपनी, तो दिसंबर से लेकर मार्च तक का जो भी मैटर होगा वो डिस्कस करेगी कब, मार्च में जब फाइनेंशियल ईयर उस कंपनी का क्लोज होगा उसके 9 महीने के अंदर, ठीक है? और दूसरे केसेस में क्या होता है, 6 महीने के अंदर भी मीटिंग बुलाई जाती है अगर रजिस्ट्रार चाहे, जो रजिस्ट्रार होता है वो चाहे तो एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है अगर 9 महीने के अंदर कंपनी ने मीटिंग नहीं की है तो। सेकंड है इसमें ऑब्लिगेशन में पीरियड ऑफ सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, और दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी उसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। देखो एक तो इसमें दो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी, कि पहला तो कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग जो करना है ईच ईयर, मतलब कैलेंडर ईयर में, मतलब जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर होता है और फाइनेंशियल ईयर होगा अप्रैल टू मार्च, तो कंपनी को जो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करनी है वो कैलेंडर ईयर में करनी है, याद रखना मीटिंग कब करनी है कंपनी को, कैलेंडर ईयर में करनी है, जनवरी टू मार्च के अंदर,
दूसरी चीज क्या करना है इसमें, एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच का गैप 15 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? विद इन इट शेल होल्ड, इट शेल होल्ड सच मीटिंग्स विद इन 15 मंथ. और अगर कोई रीजन है कि वो 15 मंथ्स के अंदर सेकेंड मीटिंग नहीं हो पा रही है, तो रजिस्ट्रार अगर चाहे वैलिड रीजन देख के उसको एक्सटेंड कर सकता है. कोई डाउट है बताओ. मैम आप ये 15 मंथ्स वाला बताए ना, ये एक बार रिपीट कर दीजिए. हाँ देखो, जो फर्स्ट मीटिंग होगी ना, ये देखो जो पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया है, देखो पीरियड ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है ना, और फिर सेकंड क्या लिखा मैंने, पीरियड ऑफ सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग. फर्स्ट मीटिंग तो हो गई, लेकिन जो सेकंड मीटिंग होगी वो कब, तो फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग के बीच का डिफरेंस 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. बस सिंपल सा ये था इसमें. देखो कभी कभी क्या होता है, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. कंपनी को मीटिंग करनी है जनवरी 2, दोनों कंडीशन को मिला के बता रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड. जनवरी 2 दिसंबर के बीच में कंपनी को मीटिंग करनी है. ये मैंने मार्च लिख दिया गलती से, एक सेकंड इसको करेक्ट कर लेना. ये वाला पॉइंट पे ये जो मार्च लिखा है ना, ये दिसंबर है. देखो कंपनी को मीटिंग करनी है जनवरी 2 दिसंबर के बीच में कभी भी, है ना? और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो पहली मीटिंग है कंपनी की, जो कंपनी की पहली मीटिंग है वो जनवरी टू दिसंबर किसी भी महीने में होनी चाहिए, लेकिन जो पहली मीटिंग है उसको 31, और जब उसमें टाइम लिमिट जो कैलकुलेट किया जाएगा 9 महीने का, वो कब से कैलकुलेट किया जाएगा, 31 मार्च के बाद का कैलकुलेट किया जाएगा. दो अकाउंटिंग ईयर चल रहे हैं, ये वाला जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर वाला, है ना? तो फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर दोनों साथ में चलेंगे. अगर रजिस्ट्रार है जो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हमको काउंट करनी है कि हमारी मीटिंग कब से 9 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, फर्स्ट मीटिंग, तो 31 मार्च के बाद एग्जैक्ट 9 महीने. तो देखो 31 मार्च के बाद 9 महीने क्या होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब अप्रैल टू दिसंबर के बीच में उसको कभी भी मीटिंग करनी है. पहली एनुअल जनरल मीटिंग पहले फाइनेंशियल ईयर होने के 9 महीने के बाद. ये क्लियर हुआ पॉइंट आपको? यस मैम. ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट देखो, ये वाला. जैसे अब मान लो मीटिंग इसको करनी कैलेंडर ईयर में, ये सपोज जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 31 मार्च, तो ये फरवरी तक नहीं लेके जा सकता नेक्स्ट ईयर, इसको करना अपने उसी कैलेंडर ईयर में. और इसको एक चीज ये भी ध्यान देनी है कि जो लास्ट इसकी मीटिंग हुई थी और ये वाली जो इसकी मीटिंग है, उसमें गैप 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब विद इन 15 मंथ ये सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा. ठीक है, अगर 15 महीने से ज्यादा हो गया, मतलब डिले करते जाते हैं ना कि अभी और काम करते हैं, अभी और फिर बाद में एक मीटिंग करेंगे, तो वो डिले नहीं चलेगा इसमें. नेक्स्ट इसमें देखो, थर्ड पॉइंट, टाइम डेट एंड प्लेस. जो टाइम होगा कॉमा डे, और फिर क्या होगा इसमें, जो प्लेस होगा, टाइम डे एंड प्लेस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, इसमें क्या होगा, जो जनरल मीटिंग होगी वो एक तो बिजनेस आवर्स में होगी, ठीक है, दूसरी चीज नेशनल हॉलिडे में नहीं होगी. नेशनल हॉलिडे मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिक्लेयर्ड हॉलीडेज होते हैं, वो लाइक 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर,
तो इस पे नहीं होना चाहिए। और कहाँ होनी चाहिए? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। रजिस्टर्ड ऑफिस मींस वो ऑफिस जो आपने रजिस्ट्रार के पास एंट्री करवाया है कि ये कंपनी का मेन ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां पे होगी मीटिंग। ठीक है, दूसरी चीज, अगर उस ऑफिस में नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो उसी शहर में करनी पड़ेगी, जहाँ पे उसी सिटी या टाउन या विलेज में करना पड़ेगा जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। अगर जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, उनके अलावा दूसरी कंपनीज होती हैं जो अनलिस्टेड होती हैं, वो चाहे तो कहीं पे भी कर सकती हैं मीटिंग्स। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए रेगुलेशंस थी, बट ये है कि उनको शेयर होल्डर्स का कंसेंट होना चाहिए और राइटिंग में पहले देना है कि यस, कि हम मीटिंग करेंगे दूसरे शहर में। फिर नेक्स्ट में देखो, फोर्थ पॉइंट आएगा, प्रोसीजर फॉर होल्डिंग एडजोर्न एनुअल जनरल मीटिंग। प्रोसीजर फॉर होल्डिंग एडजोर्न एनुअल जनरल मीटिंग। एडजोर्न क्या होती है बताओ? एडजोर्न वर्ड्स ना, ऐसे कोर्ट में सुना है? कोर्ट में बोल रही हूँ, सॉरी, मूवीज में ऐसे यस कोर्ट मैम में हम सुने हैं। दिखाते हैं ना, द मीटिंग इज एडजर्न, मतलब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, उसमें मतलब है ना, डिस्कस, जो भी डिस्कशन चल रहा है अब इसको नेक्स्ट डेट पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो उसका क्या प्रोसीजर है वो बताना है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि इसका नोटिस दिया जाए। ठीक है, इतना क्या होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्होंने मीटिंग पे बुला रहे हैं, कोई कहाँ रहता है शहर में, कोई कौन से शहर में, तो जनरली वैसे मोस्टली शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड करते नहीं है पब्लिक कंपनीज के केसेस में। हाँ, प्राइवेट कंपनी के केस में करते हैं, क्योंकि वो उनके खुद के रिलेटिव्स वगैरह ही होते हैं जो करते हैं। प्लस क्या होता है, अगर लोगों के पास टाइम नहीं है बार बार मीटिंग्स अटेंड करना, कि उनको पता है ये एक बुकलेट तो छपेगी और जो भी डिस्कशन हुआ है वो तो हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है कि सेकेंड जनरल मीटिंग का भी नोटिस उनको दिया जाए। ठीक है, अगर उसी मीटिंग पे ही डेट डिसाइड हो जाती है कि नेक्स्ट होगी, तो सबको पता चल जाएगा, जिसको आना है वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन इसके लिए नोटिस नहीं निकाला जाएगा अलग से। फिर है इसमें डिफॉल्ट, एक पॉइंट है इन होल्डिंग एडजर्न एनुअल जनरल जनरल मीटिंग। डिफॉल्ट, अगर कंसिक्वेंसेस क्या है, अगर हम होल्ड नहीं कर रहे हैं मीटिंग, तो कंसिक्वेंसेस इसमें मतलब आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे। तो नेक्स्ट पेज में करूं, इसको हटाऊं पेज को, यस मैम। डिलीट नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ नेक्स्ट पेज पे ले रही हूं मैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएगा? पहले क्या है, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस में आएगा इसका, फिफ्थ पॉइंट के अंदर फर्स्ट ए, पावर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ। ये बताया ना मैंने एक बार, एनसीएलटी याद आया, ट्रिब्यूनल वाला केस, टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग। बी है इसमें पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट देखो इसमें।
अब जो एनसीएलटी है, जो ट्रिब्यूनल है, वो उसके पास पावर है कि वो जनरल मीटिंग क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है अगर कोई डिफॉल्ट होता है कंपनी को मीटिंग होल्ड करने में। तो कोई भी जो शेयर होल्डर है या फिर जो मेंबर है कंपनी का, वो ट्रिब्यूनल के पास एक अगर एप्लीकेशन डाल देता है तो, या फिर डायरेक्ट कॉल करता है, तो ऐसे सिचुएशंस पे जो एनसीएलटी है उसको सामने आना पड़ता है और उसको क्या करना पड़ता है, एक मीटिंग कंस्टिट्यूट करनी पड़ती है। ऐसी मीटिंग्स में जो उसको एक मेंबर जिसने बोला है तो वो भी अगर अटेंड करता है, किसके अंदर में, ट्रिब्यूनल के अंदर में, तो वो भी एनुअल जनरल मीटिंग कहलाएगी कंपनी की। आया समझ में? मैम फिर से बताइए। अगर कंपनी मीटिंग नहीं कंडक्ट कर पा रही है तो कोई भी मेंबर कंपनी का या जो शेयर होल्डर्स हैं वो एनसीएलटी के पास एक एप्लीकेशन डालेंगे या फिर उन्हीं से ही जाके बात करेंगे। और अगर एनसीएलटी को ठीक लगता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये इस मीटिंग होनी चाहिए और ये मैटर डिस्कस होना चाहिए लेकिन कंपनी अवॉइड कर रही है, तो उसी समय एनसीएलटी तुरंत मीटिंग कॉल करेगी, तुरंत उसी समय, विद इन नो सेकेंड्स, है ना। और उस समय अगर आ सकते हैं, एक टाइम लिमिट दे देते हैं 1 घंटा या 2 घंटे का, अगर लोग पहुंचते हैं तो ठीक है, और नहीं पहुंचते हैं तो जिस पर्सन ने एप्लीकेशन दी है वो पर्सन बैठेगा किसके साथ, एनसीएलटी में, और उसको नाम दे देंगे एनुअल जनरल मीटिंग का। तो ये पावर है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। जैसे फास्ट ट्रैक में चले जाते हैं ना केसेस, बस वैसे ही है। देखो ऐसे सिचुएशंस बहुत रेयर होती है। नेक्स्ट देखो पनिशमेंट क्या है, डिफॉल्ट में अगर नहीं कर रहा है तो कितना फाइन लगेगा, 5,000 रुपीज़ का लगता है डेली का, अगर तब तक वो मीटिंग कंडक्ट नहीं करेंगे तो। दूसरी चीज़, कंपनी जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं और कंपनी मीटिंग्स अवॉइड करती है, तो कोर्ट ने क्या बोला है कि एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड, चाहे कंपनी के अकाउंट्स रेडी हो या नहीं है रेडी, ठीक है। दूसरी चीज, कंपनी को कुछ मैटर्स कंप्लीट करने अभी तक नहीं है तो वो योर इशू, कंपनी का। आपको इनकम्प्लीट चीज़ें भी आपको उस मीटिंग में डिस्कस करनी है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर्स का राइट है ये जानना कि कंपनी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्योंकि उन्हीं का ही पैसा लगा हुआ है कंपनी में। दूसरा चीज, एक चीज और इसमें ऐड होगी, जो मेंबर्स हैं कंपनी के, शेयर होल्डर्स होते हैं, देखो उन्हीं में से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, वही लोग मीटिंग बुलाते हैं बोर्ड की। तो कभी कभी क्या होता है, जो बोर्ड मीटिंग है उसको भी एनुअल जनरल मीटिंग में कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट ये देखो, ये जो बोर्ड मीटिंग वाला है, कभी देखो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, तो इस जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही तो डायरेक्टर्स के लिए चूज किए जाते हैं, तो कभी कभी बोर्ड मीटिंग्स को भी एनुअल जनरल मीटिंग का नाम दे सकते हैं, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, सारे शेयर होल्डर्स के कंसेंट से ही वो ऐसा कर सकते हैं, मतलब दोनों काम एक साथ निपटा दिया, बोर्ड मीटिंग्स भी और शेयर होल्डर्स मीटिंग भी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, फिर नेक्स्ट में मूव करूंगी मैं। वो मीटिंग जो एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है या फिर स्टेट्यूटरी मीटिंग नहीं है, उनके अलावा जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो क्या कहलाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मीनिंग क्लियर है? मैम स्टैट्यूटरी और